question is how many way? The word Subhendu how many way the word Subhendu can be arranged? How many ways the word Subhendu can be arranged? Pehla baat hai, no restriction. No restriction. Vowels together. Vowels never together. Vowels and consonants are alternative. Consonants are different places. Starting with SU, starting with S and ending with U and ending with U. Always 2 liter always 2 liter between S and U. What is the rank of words Subhendu? What is the rank of the words Subhendu? Then arrange in the dictionary. देखिए हाउ मेनी वे द वर्ड्स सुबेंदु कैन बी अरेंज्ड. अलमेश आंसर क्या आया? तेजस्विनी सुदीप्ता क्या आया? बोले आंसर पहला का 7 factorial divided by 2 factorial. यस वेरी गुड. इसका आंसर आपका आएगा ये कितना है 3 6 7 तो है
ये 7 फैक्टोरियल बाय अगेन ये हमारा u यहाँ पर 2 है इसलिए डिवाइड होगा ना रिपीटेशन और डिवाइड होगा नेक्स्ट बावल्स टुगेदर ओके 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ओके सो राइट तो सुबेंदु है ना ये एस कॉन्सोनेंट है यू वावल है सुबेंदु डी कॉन्सोनेंट है ई वावल है सुबेंदु एस यू ई ई एन डी यू ठीक है 7 का वर्ड है ना 3 6 7 का वर्ड देखो तो बोल रहा बाउल टुगेदर अगर रहेंगे एक साथ एक कहेंगे टू वेल ओके ये 4 ऑब्जेक्ट और एक ग्रुप 5 ऑब्जेक्ट्स पहला इसका अरेंजमेंट होगा 4 तो कॉन्स्टेंट और एक बाउल का ग्रुप कुछ ने बोला है तो बाउल्स टुगेदर जहां पर रहेंगे बाउल एक साथ रहेंगे उनके बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं आएगा ओके ये 4 एक ग्रुप 7 4 एक ग्रुप 5 ऑब्जेक्ट यानी 4 तो कॉन्स्टेंट और 3 तो भावल का अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टर 5 का ऑब्जेक्ट है फिर ये जहां पर रहेंगे अपना बीच में अरेंजमेंट होंगे ये 3 फैक्टर जहां पर भी रहेंगे भावल अपना बीच उसमें यू डॉट होता है इसलिए डिवाइड होगा तो बच्चे ये आएगा आपका अगे कि भावल्स टुगेदर टुगेदर के भावल जहां पर रहेंगे इधर भी रहे या इधर भी रहे या इधर भी रहे या इधर भी रहे या इधर रहे ये 4 ऑब्जेक्ट ये बावल टुगेदर का एक ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट 5 फैक्टर फिर ये अपने बीच में अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टर बाय 2 फैक्टर इसका आंसर यही है 5 फैक्टर 3 फैक्टर बाय 2 फैक्टर सेकंड क्या क्वेश्चन बोल रहा है बावल्स आर नेवर टुगेदर तो नो रेस्ट्रिक्शन एंड टुगेदर माइनस कर दीजिए आपका बावल्स नेवर टुगेदर आ जाएगा नो रेस्ट्रिक्शन बात का 7 फैक्टर बाय 2 फैक्टर माइनस बावल टुगेदर माइनस कर दीजिए 5 फैक्टर लेंगे माइनस कर दीजिए आपका नो रेस्ट्रिक्शन बावल टुगेदर माइनस कर देने से बावल्स आर नेवर टुगेदर आ गए नेक्स्ट बावल्स एंड कॉन्सोनेंट 4 और 3 का ऑल्टरनेटिव होगा 4 और 3 4 और 5 का भी होगा 4 6 का नहीं होगा 4 7 का नहीं 4 4 का 2 2 आएगा पढ़ा गया था फिलहाल ये 4 और 3 तो 4 कॉन्सोनेंट 3 वावल सो दिखाओ ये आपका कॉन्सोनेंट 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 4 कॉन्सोनेंट 3 वावल्स ये वावल 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 ऑल्टरनेटिव अच्छा सुनिए हमारा 4 कॉन्सोनेंट 3 वावल वावल 3 में है ओके ये ऑल्टरनेटिव अच्छा हुआ नहीं पहला भावल लेके किया तो भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट रह जा रही ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ अच्छा कॉन्सोनेंट भावल का लेता हूँ ये कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट 3 भावल है 4 कॉन्सोनेंट ये ऑल्टरनेटिव हुआ कॉन्सोनेंट से शुरू किया तो ऑल्टरनेटिव हुआ भावल से शुरू किया तो ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट आ जा रहा है 4-3 का एक ही तो होगा 4-3 का लेकिन 4-4 का 2 होगा ऊपर भी होगा नीचे वाला भी होगा 4-4 का 2 होगा 4-5 का 1 होगा लेकिन 4-6 का नहीं होगा 0 आएगा ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो 4-3 का हुआ वो कौन सा किसका हुआ कॉन्सोनेंट वावल का हुआ और ऊपर वाला नहीं हुआ ओके तो ये वाला हुआ ये कितना देखिए 1 2 3 4 चार प्लेस में 4 तो कॉन्स्टेंट अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल इसमें कोई रिपीट नहीं है 1 2 3 3 प्लेस में 3 तो बावल अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल लेकिन बावल में रिपीटेशन था तो ये आपका आंसर है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ओके ये आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नेक्स्ट बात है बावल्स आर कॉन्सोनेंट आर इवन प्लेसेस कॉन्सोनेंट आर इवन प्लेसेस ये टोटल 7 है 1 2 3 4 5 6 7
इविन प्लेसेस में कॉन्स्टेंट रहेंगे, टोटल 7 ग्रह है इविन प्लेसेस में कॉन्स्टेंट रहेंगे। अच्छा कॉन्स्टेंट है 4 लेकिन उनका प्लेस 3 है, इसमें कुछ रिपीट नहीं है, कॉन्स्टेंट में कोई रिपीट नहीं था इसलिए डिवाइड नहीं होगा। कॉन्स्टेंट है 4 लेकिन उनका प्लेस 3 इसलिए ओके। और ये बाकी जो प्लेस है वो भावल के लिए 1 2 3 4 प्लेस 4 है लेकिन भावल है 3, लेकिन भावल में 2 रिपीटेड था, यू 2 बार रिपीटेड था, यानी ये आएगा 4। नहीं समझ में आया, जो ज़्यादा वही है प्ले, यहाँ पर कॉन्सनेंट ज़्यादा था प्लेस 3 था, और यहाँ पर भाव प्लेस 4 था भावल 3 था, भावल में यू 2 बार रिपीट हो रहा है। ये आएगा आपका कॉन्सनेंट, ये तो इसका आपका आंसर आएगा। अरे क्या आया 4P3 और एक तो भी 4P3 बाय कितना 2 फैक्टर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो ऑलवेज 2 लेटर्स बिटवीन एस एंड डी, एस एंड डी का शुभेंदु ऑलवेज 2 लेटर्स बिटवीन, हाँ और एक है स्टार्टिंग विथ एस एंडिंग विथ यू, शुभेंदु एस यू बी ई ये बी है एस यू बी ई एन डी यू ओके, ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया ओके, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ऑलवेज 2 लेटर बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू के बीच में नहीं नहीं स्टार्टिंग विथ एस एंड एंडिंग विथ यू, स्टार्टिंग विथ एस एंड एंडिंग विथ, ये दो पोजिशन में 2 लेटर फिक्स हो गया, बाकी ये वाला अब चेंज होंगे। ये कितना रहा है 1 2 3 4 5 है, 3 2 5 है ओके। इनके बीच में कोई रिपीटेड है, यू बी एन डी के बीच में कोई रिपीटेड नहीं है तो कोई डिवाइड नहीं आएगा, तो बाकी ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया ओके। और ये अपना भी इसमें अरेंज होंगे, बाकी 5 जन ये अरेंज होंगे, 5 फैक्टर भी होगा, 5P5 जो है 5 लेटर 5 प्लेस में अरेंज होंगे, 5 फैक्टर 5P5 जो है 5 फैक्टर वही है, ये अब 3 2 5 आएगा, 5 फैक्टर आंसर आएगा ओके, 5 फैक्टर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात बोल रहा, ऑलवेज 2 लेटर बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू के बीच में ऑलवेज 2 लेटर, ये कितना रहा शुभेंदु 3 3 6 7 रहा 3 4 5 6 7 ऑलवेज 2 लेटर बिटवीन एस एंड यू, यहां पर एस रहा ओके और यहां पर यू रहा, बट ये प्लेस इनके लिए फिक्स हो गया, जैसे यहां पर ये फर्स्ट प्लेस लास्ट प्लेस फिक्स हो गया था, तो ऑलवेज 2 लेटर बिटवीन एस यू एंड क्या, ये प्लेस इसमें एस रहा इसमें यू रहा, ये दो प्लेस फिक्स हो गया, ये बाकी ये प्लेस में बाकी लेटर्स अरेंज होगा ओके। बाकी लेटर्स 1 2 3 4 5 ये प्लेस ये 2 लेटर्स रहेगा बिटवीन ओके, तो एस हाँ ये एस एंड यू बीच में 2 लेटर रहना है, तो ये प्लेस और ये प्लेस फिक्स हो गया 1 2 3 4 5 बाकी 5 प्लेस में वो अरेंज होंगे 5 फैक्टरल में, इसमें कोई ये नहीं रिपीट नहीं है एस यू यू बी एन डी में कोई रिपीट नहीं है, इधर एस फिक्स हो गया इधर यू फिक्स हो गया, तो ये एक तो वे है वो बोला ऑलवेज 2 लेटर्स बिटवीन एस एंड यू। नेक्स्ट स्टेप में इधर एस रहेगा इधर यू रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में इधर एस फिक्स हो जाएगा इस प्लेस में इधर यू फिक्स हो जाएगा, बाकी ये में वो भी 5 फैक्टर आएगा, वो भी 5 फैक्टर आएगा, इस प्लेस में एस फिक्स हो गया इस प्लेस में यू फिक्स हो गया ओके, इस प्लेस में एस फिक्स हो गया और इस प्लेस में यू फिक्स हो गया
पहला स्टार्टिंग हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, इधर एस फिक्स हो गया, उधर यू फिक्स हो गया, तो बाकी प्लेस में फाइव लेटर, फाइव प्लेस मारे तो फाइव पेटर, नेक्स्ट क्या होगा, इधर एस फिक्स हो जाएगा, इधर यू फिक्स हो जाएगा, ये भी आपका फाइव फैक्टोरियल आएगा, ओके, इधर एस फिक्स हो जाएगा, इधर यू फिक्स हो जाएगा, हाँ, तो ये प्लेस में, ये प्लेस में दोनों फिक्स हो गया, बाकी फाइव प्लेस में अरेंज होंगे फाइव फैक्टोरियल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इधर एस फिक्स हो जाएगा, इधर यू फिक्स हो जाएगा, वो भी अरेंज होगा फाइव फैक्टोरियल, ठीक है, तो बिटवीन एस एंड यू, ये आपका बिटवीन टू लेटर्स बिटवीन एस एंड यू, ये एक दो तीन चार, फोर टाइम्स ऑफ द फाइव फैक्टर। अच्छा बच्चों, तुमको क्या करना, इस केस में आपको एस एंड यू बोल रहा है तो यू भी एंड एस भी लेना पड़ेगा, यू एंड एस भी लेना पड़ेगा, एस एंड यू बोल रहा तो, और यू एस भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर यू रहेगा उधर एस रहेगा, उसको भी हम बोलते हैं एस एंड यू बोलते हैं, इधर यू रहेगा उधर एस रहेगा, उसे भी एस एंड यू बोलेंगे, तो बिटवीन टू लेटर्स बिटवीन एस एंड यू इतना आया, अगेन टू लेटर्स बिटवीन, हाँ टू लेटर्स बिटवीन यू एंड एस भी बच्चों लेना पड़ेगा आपको, वो भी आएगा बच्चों फोर इंटू फाइव फैक्टर, जैसे एस यू का आया फोर इंटू फाइव फैक्टर, ये भी आएगा यू फोर इंटू फाइव फैक्टर, टोटल आपका हो जाएगा ये, इधर ऐड कर दीजिए, टोटल ये चार्ट हो गए और ये चार्ट हो गए, टोटल एट इंटू फाइव फैक्टर हो जाएगा आपका आंसर, ये चार्ट हो गए, ये चार्ट हो गए, एट इंटू फाइव फैक्टर हो जाएगा सर। हाँ जी सर, फोर इंटू फाइव फैक्टर तो, हाँ बोलो सर, अगर हम एस को फोर्थ प्लेस में रखते हैं और यू को फर्स्ट प्लेस में, क्या बोलो फिर से बोलो सर, अगर हम एस को फोर्थ प्लेस में रखते हैं एंड यू को फर्स्ट प्लेस में, इसमें दो यू हैं और एक एस और एक यू रखेंगे सर, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जहां पर ऐसा है ऐसा, ये एक तो केस है कि, लेकिन उनके बीच में हमेशा दो लेटर रहना है, ओके। अच्छा और एक एग्जांपल देने से तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा देखिए और एक एग्जांपल no, सर सुनिए, इसमें दो यू है, एक क्यू वन फर्स्ट प्लेस में और एक क्यू सेवंथ प्लेस में, और एस जो है वो फोर्थ प्लेस में, हाँ ये इसके बीच में सर, ये यू एस हो गया और एस यू हो गया, ये दोनों फिक्स हो गया, ये प्लेस में दोनों फिक्स हो गया, ये प्लेस में दोनों फिक्स हो गया, ठीक है, और बाकी सब जो है फाइव प्लेस में फाइव वो ये होगा, ठीक है। एक बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वे द वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज स्टार्ट विथ पी एंड एंडिंग विथ एस, क्या आंसर आया आपका बच्चों, पहला वाला सर, नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, अभी फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। हाउ मेनी वे द वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज स्टार्टिंग विद पी, पी फिक्स हो गया बच्चों, नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड, एस फिक्स हो गया, वो आपने ये प्लेस में फिक्स हो गया और कोई ये नहीं है, तो बाकी जो अपना बीच में अरेंजमेंट होगा, ये तीन छह तीन नौ, तो पहला वाला आंसर आपका नाइन फैक्टोरियल बाय कितना, हाँ बोलो सर, आईओएन, आईओएन, अच्छा आईओएन छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, गुड गुड, यस ओके। अच्छा देखिए ये आपका तीन, ये तीन छह चार दस, टोटल बारह टो है शायद, ओके अच्छा, तो फिर बीच में दस टो है, दस टो लेटर दस प्लेस में अरेंज होंगे टेन फैक्टर में, और इसमें की डिफे ये देखिए टी और कौन, इधर दो दो टी है और कोई है, और कुछ रिपीट होता डिवाइड होता है,
नेक्स्ट बात बोल रहे हैं वावल्स टुगेदर, वावल एक साथ जहां पढ़ेंगे पी ई वावल है पी आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस परमुटेशन ओके टोटल 12 डोगरा के देखो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है। अच्छा देखो तो बोल रहा है कि भावल्स टुगेदर बोल रहा है तो देखिए ये पहला 3, 3, 3, 6, 7 रो कॉन्स्टेंट एंड भावल्स का एक रो ग्रुप 8 ऑब्जेक्ट 3, 3, 3, 6, 7, 1, 8 ना कितना हो रहा है ये 3, 3, 6, 7 और एक ग्रुप 8 ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे कितना बच्चों 3, 3, 6, 7 रो कॉन्स्टेंट एक ग्रुप का अरेंजमेंट 8 ऑब्जेक्ट्स अरेंज होंगे 8 फैक्टरल में और यार टी दो था ओके फिर ये बावल जहां पर रहेंगे जिस प्लेस में भी रहेंगे वो अपना बीच में अरेंजमेंट एक दो तीन चार पाँच इंटू फाइव फैक्टरल अगर इसमें भी कुछ रिपीट होता तो डिवाइड होता ओके तो ये आपका आंसर है बच्चों 8 फैक्टरल बाय 2 फैक्टरल इंटू 5 फैक्टरल जितना जितना बार करेंगे जितना मैथ करेंगे वैरायटी क्वेश्चन करेंगे आप उतना ही क्लैरिटी आएगा ओके तो ये आपका कितना हुआ 7 रो कॉन्स्टेंट एक बावल का ग्रुप 8 ऑब्जेक्ट्स अरेंज के 8 फैक्टर उसमें दो टो टी था ओके नेक्स्ट क्या बात बोल रहा है और उस भावल कितना डा था 5 तो था वो अपना बीच में अरेंज होंगे 5 फैक्टर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देर आर ऑलवेज 4 लीटर बिटवीन पी एंड एस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत बच्चे यही वाला गलती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 टॉप तो बच्चों बोला है द फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस। अच्छा बच्चों इधर पी फिक्स हो गया 1, 2, 3, 4 लेटर छोड़ दिए इधर एस फिक्स हो गया कितना वे होगा बच्चों ये पी जैसे यहां पर जैसे इधर जैसे पी फिक्स हो गया इधर एस फिक्स हो गया और रहा बीच में कितना 10 प्लेस में 10 ये अरेंज होगा 10 फैक्टरल और 2 फैक्टरल इधर भी सेम चीज है इधर पी फिक्स हो गया इधर एस फिक्स हो गया बाकी ये में आएगा ये पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन ओके एस इधर है तो बच्चों पहला क्या हुआ कि इधर पी फिक्स हो गया इधर एस फिक्स हो गया तो ये कितना वेव होगा बाकी प्लेस में ये प्लेस में ये सब अरेंज होंगे कितना होगा 10 फैक्टर में कितना बाकी प्लेस में वो लोग अरेंज होंगे कितना 10 फैक्टरल बाय 2 फैक्टरल सेम बात है यहाँ पर स्टार्टिंग था पी फिक्स और एंडिंग एस फिक्स था बाकी प्लेस में वही प्लेस में वो लेटर्स अरेंज हुए कितना 10 फैक्टरल बाय 2 फैक्टरल यहाँ पर भी सेम थिंग है यहाँ पी फिक्स है इधर एस एस फिक्स हो गया है तो ये बाकी 10 प्लेस है 10 प्लेस पे 10 लेटर अरेंज होंगे अपना बीच में 10 प्लेस बाकी 10 प्लेस में अरेंज होंगे अपना प्लेस में 10 फैक्टर बाय 2 फैक्टर कोई डाउट है कोई डाउट है ये पी नो सर यहाँ पर पी फिक्स है इधर एस फिक्स है तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लेस है 10 लेटर है अरेंज होंगे कितना 10 फैक्टर बाय 2 फैक्टर ओके अच्छा अभी जब इधर पी आएगा और इधर एस आएगा वो कितना वे होगा सेम वे आएगा कितना 10 फैक्टर बाय 2 फैक्टर जब इधर पी आएगा और इधर एस आएगा वो भी कितना है बच्चों 10 फैक्टर बाय 2 फैक्टर सेम चीज है ओके जब इधर पी आएगा और इधर एस फिक्स हो जाएगा वो भी कितना आएगा 10 फैक्टर बाय 2 फैक्टर फिर इधर पी आएगा
इधर ऐसा आएगा, वो भी कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ये, फिर और क्या आएगा, इधर पी आएगा, इधर पी आएगा, इधर ऐसा आएगा, वो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जब इधर पी फिक्स हो जाएगा, इधर एस फिक्स हो जाएगा, ओके। लेकिन उनके बीच में चार लेटर होना जरूरी है, ओके। जब इधर पी फिक्स हो जाएगा, इधर एस फिक्स हो जाएगा, ये कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये भी आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। समझ रहे बच्चों, तो ये कितना डब हुआ बच्चों, 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ये कितना डबा, देखो गिन लीजिए थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हुआ बच्चों, 7 टाइम्स इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। लेकिन ऑलवेज 4 लेटर रहेगा, इधर जब पी होता है, इधर एस होता है, 4 लेटर है कि नहीं, गिन लीजिए, 1 2 1 2 3 4, हमेशा बीच में 4 लेटर्स रहेगा। तो बिटवीन पी एंड एस लिए, तो बिटवीन एस एंड पी भी लोगे, ये 7 टाइम कैसे हुआ, समझे तो आशीष, यस सर, ये 7 रो है, ओके। नेक्स्ट के 4 लेटर्स तो 8 आया बच्चा, 4 लेटर बिटवीन एस एंड पी, ये पी एंड एस था, एस एंड पी भी लोगे, वो भी लोगे, ये भी आएगा, सेम आएगा, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय कितना, 2 फैक्टोरियल, टोटल कितना हुआ, 14, 7 प्लस 7 14 टाइम्स होता कितना, ये 7 रो, ये 7 रो, 14 हुआ, ओके। इसको सिंपलीफाई करके आंसर निकालो, वही हमारा आंसर है, थोड़ा देख लीजिए आंसर, पर निकाल देते हैं, ये 14 है, 10 फैक्टोरियल होता है, 16 आ रहा है, 16 कैसे आ रहा है, नहीं नहीं 8 हो रहा है, 14 है, वो देख, वो 4 लेटर्स नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो रहा है, हाँ सर 7 होगा, 7, ओ अच्छा, देखिए टोटल 7 बिटवीन पी एंड एस, 7 रो बिटवीन एस एंड पी भी 7 रो, 14 हुआ, ये थोड़ा कर लीजिए, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 10 फैक्टर पूरा निकालिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर 2 इंटू 1 होता है, तो कैलकुलेटर किसके पास है थोड़ा बना दीजिए, ये 2 काट देते हैं, ओके। ये देखिए 14 इंटू, ये 10 इंटू 9 90 इंटू 8, 10 इंटू 9 90, 9 टू 8 720, ये थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सी 30, 30 इंटू 7 210, ये थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए 12, बच्चों पूरा कैलकुलेटर थोड़ा कर लीजिए कितना आ रहा है, और आंसर के साथ मैच कीजिए, कर दिए, यस सर, कितना आया बोलिए, 254 254 016 016 जीरो जीरो, अच्छा थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कीजिए, एनसीईआरटी का थोड़ा आंसर चेक कीजिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी वे द वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग यूजिंग लेटर द इक्वेशन यूजिंग द एग्जैक्टली वंस, ओके। हाउ मेनी वे मीन्स नो रिपीटेशन बोल रहा है, ओके, एग्जैक्टली वंस मीन्स नो रिपीटेशन, देखिए तो इक्वेशन अरेंज होगा, ओके। हेलो सर, हाँ बोलो सर, मैं जा रहा हूँ, 9 बजे स्कूल, ठीक है, वीडियो देख सर, वीडियो सर, ठीक है।
ठीक है, कोई यस सर। देखो ये इक्वेशन देखे, इसको अरेंज करेंगे। देखिए ये तीन 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 छः सात आठ, एट फैक्टर, इसमें कोई रिपीट है बच्चे? कुछ रिपीट है? नो सर। नहीं है तो वही आंसर रहोगे। एट लेटर्स एट प्लेस में अरेंज होंगे विदाउट रिपीटेशन, दैट इज एट फैक्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए। नाइन बोल रहा है द वर्ड मंडे, नो लेटर इज रिपीटेड, फोर लेटर यूज एट ए टाइम। देखो ये मंडे है लेकिन इसमें फोर लेटर्स यूज है। ये मंडे है तो इसको यूज होगा, देखिए फोर लेटर्स यूज होगा। इसको दो मेथड में कर सकते हैं, ये तीन छ, छ में चार लेटर यूज होगा, ये दैट इज सिक्स फैक्टोरियल बाय सिक्स माइनस फोर। एन पी आर पता है दो, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये सिक्स पी फोर जो है सिक्स फैक्टोरियल बाय सिक्स माइनस फोर फैक्टोरियल, दैट इज सिक्स फैक्टोरियल बाय सिक्स माइनस फोर टू फैक्टोरियल। ओके, सिक्स फैक्टोरियल बाय सिक्स माइनस फोर टू फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अच्छा दैट इज कितना आएगा? सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। ओके, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। ये थर्टी इंटू कितना? ट्वेल्व, थ्री सिक्सटी आंसर आएगा। ओके, अच्छा देखिए, नहीं तो और एक मेथड भी है। छह टो है यूज करना है, कितना टो? चार टो यूज करना है और विदाउट रिपीटेशन है, घटते जाएगा। पहला छह वे में फिलअप होगा, नेक्स्ट फाइव, ये फोर और थ्री, ऐसा भी होगा। ओके, छह टो है यूज करना, चार टो है और विदाउट रिपीटेशन नहीं, घटे घटते जाएगा। ये थर्टी इंटू ट्वेल्व, ठीक है, ऐसा भी होगा। नेक्स्ट ऑल लेटर्स यूज एट ए टाइम, तो ये कितना रहा है? पहला का आंसर 360 आया। ओके, ऑल द लेटर्स यूज एट ए टाइम, ये कितना रहा है? तीन तीन छह, ये आएगा सिक्स लेटर, सिक्स फैक्टोरियल होगा, ये आपका सिक्स फैक्टोरियल होगा। ऑल द लेटर यूज एट ए टाइम, ऑल लेटर यूज द बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। अच्छा देखिए, ऐसा कर सकते हैं, ऑल लेटर आर यूज, फर्स्ट लेटर वॉवेल। ये छेड़ो बच्चों, छेड़ो बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच छह। अच्छा ये विदाउट रिपीटेशन मीन्स ऐसा होना तो वाले होने वाला था, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना बॉक्स में बना दिया? एक दो तीन चार पाँच छः, ये जरूरत नहीं है। अच्छा बोले ऐसा यूज होने वाला था, लेकिन क्या है कि तो फास्ट लेटर था जो है ना वो भावल होना है। भावल इधर कितना डॉ बच्चों बोले तो, मंडे में भावल कितना? एम कॉन्सनेंट ओ भावल, एन कॉन्सनेंट एम ओ एन, डी कॉन्सनेंट ए भावल, वाई कॉन्सनेंट। लेकिन पहला लेटर जो है सिर्फ दो ही चीज आएगा, ओ आएगा नहीं तो, पहला प्लेस में दो ही आएगा, ओ आएगा नहीं तो ए आएगा, दो ही यूज हो सकता है। वो ना फास्ट लेटर शुड बी भावल, तो फर्स्ट प्लेस शुड बी फिल अप दो बाय टू लेटर्स ओ एंड ए, तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज टू इंटू फाइव फैक्टर। हाँ, पहला प्लेस जो है ओ ए ही फिलअप होगा, ओ ए से फिलअप होगा, टू इंटू फाइव फैक्टर, दैट टू इंटू फाइव इंटू फाइव
हाई फैक्टर वर्ड जो कितना 120 हुआ था ना हमारा 20 थी असिस्ट 120 दैट इज कितना 240 आंसर नेक्स्ट वाला का आंसर 240 आंसर चेक कर लीजिए आंसर सही है ना गलत है बच्चों आंसर सही है ना गलत है सर सही है अच्छा हाउ मेनी वे द वाटर डिस्ट्रिक्ट मिसिसिपी आई नॉट कम टुगेदर बोल रहा है आई नॉट कम टुगेदर बोल रहा है ये थोड़ा अलग है थोड़ा दिक्कत अलग बनाते हैं हाउ मेनी वे द वर्ड हाउ मेनी वे द डिस्टिंक्ट परमिटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द आई नॉट कम टुगेदर ओके आई नॉट कम टुगेदर क्या होगा बच्चों ओके सर पहले टुगेदर निकाल देंगे फिर माइनस कर देंगे यस यस पहले आई टुगेदर निकाल के उसके बाद माइनस कर दे पहले नो रेस्ट्रिक्शन निकाली पहला नो रेस्ट्रिक्शन निकाली पहला नो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा वही मैसेज क्या है सर मैं क्लास कर रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक है नो रेस्ट्रिक्शन पहला निकालिए ये कितना हो रहा है बच्चों तीन ये तीन छः तीन नौ दस ग्यारह तो इलेवन फैक्टोरियल बाय इसमें जो जो रिपीटेड है डिवाइड हो जाएगा इलेवन फैक्टोरियल बाय देखो एम कितना डॉ है चलो आई कितना डॉ है फोर फैक्टोरियल आई चार टो है एस कितना डॉ है चार टो है पी कितना डॉ है दो टो है दो. ये नो रेस्ट्रिक्शन फिर नेक्स्ट क्या करना आई कम टुगेदर आई कम टुगेदर में क्या होगा कि एम आई अलग रख दीजिए आई चार्ट हो साइड आई चार्ट हो तो बच्चों एम आई एस एस आई पी पी आई ये तीन दो पांच चार नौ कितना डॉ हो रहा टोटल कितना डॉ हो रहा था ग्यारह डॉ हो रहा था सर और दो एस आई एस दो डॉ छोड़ दे अच्छा हो तीन 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 छह सात चार ग्यारह हो तो आई कम टुगेदर क्या होगा तो आई कम टुगेदर ये आया कितना देखिए एक दो तीन 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 छह सात सात हो और ये ऑब्जेक्ट एक ग्रुप आठ हो ये तीन 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 छह सात और एक ग्रुप आठ ऑब्जेक्ट अरेंज हो गया एट फैक्टोरियल इसमें क्या रिपीटेड है देखिए इसमें एस चार टो है और कितना पी दो टो है इसमें एस चार टो है पी दो टो है और ये अपना भी इसमें अरेंज हो गए फोर फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल दैट इज वन वे होगा अगर मैं इसको अरेंज कहीं पर भी करूँ एक ही टो वे होगा ज्यादा नहीं होगा ओके ये फोर फैक्टोरियल बाय रिपीट भी चार्ट होता दैट इज वन वे आएगा ओके तो ये भावस टूगेदर काट देते हैं भावस टूगेदर आएगा एट फैक्टोरियल बाय कितना ये समझोगे तो ये अपना बीच में अरेंज होगा चार फैक्टोरियल ये रिपीट है तो ये वन में ही होगा चार तो आई को कहीं पर चार तो आई को कितना वे में सजा सकते हैं की वे में सजा सकते हो ये आएगा आपका एट फैक्टोरियल इंटू कितना आई कम टूगेदर एट फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल नेक्स्ट बात बोल रहा आई नॉट कम टूगेदर जो हमें फाइंड करना था नो रेस्ट्रिक्शन ये माइनस कर दीजिए आई नॉट कम टूगेदर नो रेस्ट्रिक्शन में करते हैं बच्चों कितना 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू डी ये नो रेस्ट्रिक्शन
लेकिन आई कॉम टुगेदर क्या होगा, 8 फैक्टर बाय 4 फैक्टर इनटू 2 फैक्टर। ओके ये नो रेस्ट्रिक्शन, और ये आई कॉम टुगेदर माइनस करोगे तो आई नॉट कॉम टुगेदर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बच्चा करते हैं क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के कुछ है। In how many way 5 girls and 3 boys in a row that no boys together? बच्चों जब क्वेश्चन बोलता है no boys together, no 2 boys together, जब बोलता है पहले girls को बिठा देंगे, जब no 2 boys together बोलता है दो लड़के पास में नहीं बैठेंगे तो पहले girls को बिठा देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों में करवाया था। girls कितना है? 5 तो है। जब क्वेश्चन बोलता है नो टू बॉयज टुगेदर तो पहले गर्ल्स को बिठा दीजिए, और जो बाकी प्लेयर जो है वो बॉयज के लिए है। ये जो बॉयज के लिए प्लेयर जो है बॉयज के लिए है। अच्छा देखिए, फाइव पांच गर्ल्स पांच जगह में अरेंज होंगे, 5 फैक्टर, 5P5 दैट इज 5 फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 छो प्लेस है लेकिन बॉयज 3 है, तो 6 प्लेस में 3 बॉयज अरेंज होंगे 6P3। यहाँ प्लेस ज्यादा है बॉयज कम है तो प्लेस ऊपर रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है बॉयज ज्यादा है प्लेस कम है तो बॉयज ऊपर रहेगा, जो ज्यादा है वही ऊपर। या प्लेस ज्यादा है, ये आपका आंसर है। इसको सिंपलीफाई भी कीजिए, यह आएगा 5 फैक्टर इंटू 6P3, और उसको सिंपलीफाई करेंगे 1440 आ जाएगा। ठीक है, जब बोलता है कि नो टू बॉयज टुगेदर पहले गर्ल्स को बिठा दोगे, बाकी प्लेस में ही होगा। ठीक है, अच्छा देखो